प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ आज की सुबह में संगति करने को तैयार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया प्रतिभोर नहीं होती है और उसकी दया आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए आज के दिन में नहीं है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके बेटे के कान में बहुत ज्यादा दर्द था। उनके बेटे का कान बहता था और बहुत समय से ये प्रॉब्लम चल रही थी। वो बहुत परेशान भी थे, दवाइयां भी की परंतु फर्क नहीं पड़ा। मेरे प्रियो, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि उनके बेटे का कान बहना और कान का दर्द बिल्कुल बंद हो गया। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि प्रभु की महिमा हो, उन्होंने मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नियत समय के बारे में, अपॉइंटेड टाइम के बारे में। हम देख रहे हैं अब्राहम के जीवन से उत्पत्ति और 18 अध्याय और 14 पद में प्रभु परमेश्वर के दूतों ने अब्राहम से इस प्रकार से कहा, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परंतु नियत समय में सारा एक बच्चे को जन्म देगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और नियत समय की यहां पर बात होती है, फिक्स टाइम या फिर अपॉइंटेड टाइम की यहां पर बात होती है कि परमेश्वर अपॉइंटेड टाइम यानी कि नियुक्त समय पर ही काम करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। वो समय से पहले या फिर समय के बाद में कुछ भी नहीं करते, वो फिक्स समय पर अपने समय पर काम करते हैं। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो चाहते हैं, जो समय से पहले अपने जीवन में सब कुछ चाहते हैं, उस परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर धीरज नहीं होता है और वो ऐसा करके अपने जीवन में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार से जब परमेश्वर ने सारा और अब्राहम से कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा और वो संतान, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान बनाऊंगा, परंतु सारा ने सोचा मैं तो बूढ़ी हूं, मुझे तो बच्चा नहीं हो सकता। इसलिए सारा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरी दासी हाजरा से शादी कर ले। जब हाजरा गर्भवती हुई तो उनके परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए। मेरे प्रियो, जब हम समय से पहले किसी चीज को चाहते हैं, समय से पहले किसी काम को करना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में गड़बड़ी को पैदा कर देते हैं, डिस्टर्बेंस को पैदा कर देते हैं, कठिन परिस्थितियों को पैदा कर देते हैं, हम अपने आप को परीक्षाओं में डाल देते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में बेस्ट देता है और सब कुछ अच्छा करता है। परमेश्वर ने यहां पर अब्राहम से कहा कि नियत समय में सारा बच्चे को जन्म देगी। ठीक इसी समय नेक्स्ट ईयर अगले साल सारा एक बच्चे को जन्म देगी। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से बच्चा पैदा होने का समय है 9 महीना, और यदि किसी के मम्मी पापा, यदि कोई माँ आप ये चाहें कि हमारा बच्चा 3 महीने में पैदा हो जाए तो ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। और यदि कोई माँ बाप ये चाहे कि हमारा बच्चा 15 महीने में पैदा हो तो ये भी नहीं हो सकता। एक फिक्स टाइम है जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है कि इसी समय में बच्चा पैदा होगा। यदि कोई बच्चा समय से पहले पैदा हो भी जाए तो उसके जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चा होने के लिए एक फिक्स टाइम है और हम उस समय का इंतजार भी करते हैं, 9 महीने तक हम उस बच्चे का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर एक बात के लिए धीरज रखना है, हर एक बात के लिए प्रभु के समय का इंतजार करना है कि जब प्रभु का समय आएगा तो वो मेरे जीवन में मुझे बेस्ट देगा और मेरे जीवन को आशीषित करेगा। हम अपने आप से जब कोशिशें करते हैं कुछ चीजों को समय से पहले पाने की, तो हम अपने
जीवन में अपने आप को परीक्षाओं में डाल देते हैं, अपने जीवन में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं, तब हमारे जीवन में परेशानियां, विपत्तियां, मुसीबतें आ जाती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रभु के समय का इंतजार करें, जल्दबाजी न करें, बल्कि प्रभु के समय का, प्रभु यीशु मसीह के समय का इंतजार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। आपको धीरज रखना होगा, प्रभु पर भरोसा रखना होगा, उस पर विश्वास रखना होगा, तब वो अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करेगा, तब वो जो कुछ आप मांग रहे हैं, जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसका प्रत्युत्तर, उसका उत्तर आपके जीवन में देगा। मेरे प्रियो, इसलिए समय का इंतजार करें। जिस प्रकार एक माँ बाप अपने बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने तक इंतजार करते हैं, तब उनका बच्चा होता है और वो स्वस्थ और भला चंगा होता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी हर एक प्रार्थना का उत्तर आने के लिए परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, अपने जीवन में हर प्रकार की आशीष को पाने के लिए प्रभु के समय का इंतजार करना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के समय का इंतजार करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बेस्ट देंगे और आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे और आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि आपने प्रभु के समय का इंतजार किया है, उस पर भरोसा रखा है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। सच में आप अच्छे हैं, भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड कि ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, और ये सुबह के समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करें। सच में मेरे खुदावन, आप पवित्र हैं प्रभु और आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य हमारे जीवनों में आए प्रभु। जैसे आपकी मर्जी प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है मेरे अब्बा, उसी प्रकार मेरे यीशु मसीह हमारे जीवनों में इस पृथ्वी पर आपकी मर्जी पूरी होने पाए लॉर्ड, आपकी मर्जी पूरे होने पाए पिता। आज की सुबह के लिए हम धन्यवादी हैं, इस भाई इस बहन के लिए धन्यवादी हैं कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, आज के दिन को हम यीशु के नाम से शुरू करते लॉर्ड फादर। ये सुबह का समय, ये सुबह का पहला समय हम प्रभु तुझे अर्पित करते हैं, पहला धन्यवाद, पहला आदर प्रभु हम तुझे देते हैं लॉर्ड। सच में प्रभु आप कितने दयालु हैं प्रभु, आप कितने भले हैं प्रभु, आप कितने प्रेमी हैं प्रभु यीशु। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद, हमें सामर्थ से भरने के लिए धन्यवाद, हम पर दया और अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। सच में आप जीवित प्रभु हैं पिता, आप हमें जीवन दान देने वाले, हमारा उद्धार करने वाले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, आपने हमें राजपथधारियों का समाज बनाया है, आपने हमें धर्मी ठहराया है, आपने प्रभु जी हमें आशीषित किया है लॉर्ड। हम धन्यवादी हैं प्रभु आपके उपकारों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, जो आपने हमसे किया है मेरे यीशु मसीह। मान हर हृदय से धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इन भाई बहनों को आज की सुबह में आप आशीषित करें, आज की सुबह में इन्हें ब्लेस करें, आज की सुबह में आपकी आशीष, आपकी बरकत इनके जीवनों में आए लॉर्ड। होने दे अपनी उपस्थिति से प्रभु, आप इन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर, ये महसूस करें आज की सुबह में, मैं फील करें प्रभु कि आप इनके संग में है। होली स्पिरिट में आपको इनवाइट करती हूँ पवित्र आत्मा, हम आपका आदर करते हैं होली स्पिरिट। आप आ जाइए आज की सुबह में, हम सब की सहायता करें, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे आज के दिन भर में हर एक काम करने के लिए, हमें सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दे प्रभु यीशु मसीह। अपने स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ से हम सबको भर दीजिए प्रभु। आपकी सुख शांति इनके परिवारों में आए, आपका आनंद इनके परिवारों में आए, आपका मेल मिलाप इनके परिवारों में आए, आपकी बरकत इनके परिवारों में आए, हर एक जरूरतें आज के दिन में पूरी होने पाए, नए दरवाजों को आप इनके जीवनों में खोले प्रभु यीशु मसीह। जब ये भाई ये बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं यीशु मसीह, हम सबको आपके लहू में ढांपते हैं। विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए, आज की सुबह में प्रभु जिस वचन के द्वारा प्रभु हमने सीखा, जो हम अब्राहम के
जीवन से सीख रहे प्रभु, हमारा हम तेरा धन्यवाद करते कि तू प्रतिदिन हमें सिखा रहे प्रभु, पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें सिखा रहे हैं, प्रतिदिन हमें वचनों में प्रार्थनाओं में बढ़ा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हम संसार में उन्नति कर रहे प्रभु, उसी प्रकार आप हमारी आत्मिक उन्नति कर रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते लॉर्ड। जिस प्रकार प्रभु आपने अब्राहम और सारा से प्रभु जी कहा कि एक आने वाले साल में मैं तुम्हें संतान की आशीषें दूंगा, प्रभु तूने समय नियुक्त किया था, हाँ प्रभु एक नियुक्त समय में प्रभु एक आशीष आपने उनके जीवन में दी प्रभु, ना प्रभु समय से पहले ना समय के बाद, परंतु ऐसा समय जो आपने अपॉइंट किया था, एक अपॉइंटेड टाइम में प्रभु आपने उन्हें प्रभु जी उनके जीवन की ब्लेसिंग्स को दिया। यीशु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। ऐसे ही प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों में जब ये प्रार्थना कर रहे प्रभु आशीषों के लिए, अपने जीवन के किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें सही समय पर जो समय आपने नियुक्त किया है उस प्रार्थना के उत्तर का, उसी समय में प्रभु आप प्रभु इनके जीवन में उन ब्लेसिंग्स को दे, क्योंकि आप हमारा भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर है लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज की सुबह में परमेश्वर पिता एक राइट समय में आप इनके जीवनों में उत्तर को दें प्रभु, इनके जीवनों में प्रभु सॉल्यूशंस को दें प्रभु। प्रभु यदि प्रभु ये अपने जीवनों में जल्दबाजियां करते हैं प्रभु जी, प्रभु समय से पहले पाना चाहते हैं लॉर्ड, होने दे आप इनके जीवन में धीरज उत्पन्न करें प्रभु, ये धीरजवान होने पाए लॉर्ड फादर, और ये वेट करने वाले हो सके, तेरे सही समय का वेट करने वाले हो सके। जब इनके मन में ये विचार आता है कि हमारी उम्र निकल गई है, टाइम निकलता जा रहा है, हमारे मैरिज नहीं हो पा रहा है, संतान नहीं हो पा रही है, अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, हमारा घर नहीं बन पा रहा है प्रभु, होने दे सही समय प्रभु आपने नियुक्त किया है प्रभु। जिस प्रकार अब्राहम और सारा ने प्रभु धीरज धर के उस समय का इंतजार किया, उसी प्रकार मेरे यीशु मसीह ये भाई ये बहन प्रभु तेरे उस समय का, उस आशीषित समय का, उस नियुक्त समय का इंतजार करे प्रभु, आप इन्हें वेट करना सिखाए प्रभु, आप इन्हें प्रभु जी उस समय का इंतजार करना सिखाए प्रभु जी, क्योंकि आपसे ये हो सकता है। इनके जीवनों में हर एक काम को आप सफल करें लॉर्ड, इनके जीवन की जो भी जरूरतें हैं प्रभु, जो भी इनके जीवन में ये नीडी हैं प्रभु यीशु, आप इनकी नीड्स को पूरी करें लॉर्ड फादर। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह आप इनकी सहायता और मदद करें, हर एक मार्ग में आप इनकी सहायता करें, सही रास्तों में चलने में आप इनकी सहायता करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। यदि आज की सुबह में ये बीमार हैं तो आप भी मेरे साथ मिलकर जिस अंग में दर्द है, जिस अंग में बीमारी है, आप वहाँ पर हाथ रखें। यदि पेट में समस्या है, यदि सर में समस्या है, पैरों में हड्डियों में समस्या है, तो उन जगहों पर आप हाथ रखें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु इस वचन के अनुसार पिता तेरे वचन को कोड करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार आप अपने बेटे और बेटियों को चंगा करें पिता यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए इन जीसस नेम लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सच में मेरे खुदावन आपने इन्हें चंगा कर दिया है, आपने इन्हें छू लिया है, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली गई है, हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से चला गया है लॉर्ड। धन्यवाद करते लॉर्ड, इन्हें ब्लेस करते लॉर्ड, इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में सर से लेकर पैरों तक बहने लगे लॉर्ड, ये हील हो जाए, इनका हर एक वो अंग हील हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन में प्रभु, जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु जी, धन्यवाद पिता एक नया साल इनके जीवनों में जोड़ने के लिए, आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य इस साल में दे, इनके मनोकामनाओं को पूरी करें प्रभु, और आपके तरफ से प्रभु इनके जीवनों में आशीष आए आज के दिन में प्रभु, इन्हें बहुत ताइत की आशीष दे, जो भी अपने जीवन में करना चाहते प्रभु, यदि प्रभु बच्चों का या फिर बड़ों का जन्मदिन है प्रभु, आप उन्हें बहुत ताइत से ब्लेस करें प्रभु। आज प्रभु ये खुशी का दिन, जब एक नया दिन आपने इनके जीवन में दिया है, आप इन्हें नामों नाम आशीष करें लॉर्ड। जिन भाई बहनों ने अपने दान और दशवांशों को दिया है प्रभु, यीशु मसीह अपने बीज को तेरे राज्य के लिए बोया है लॉर्ड, वो बीज इनके जीवनों में फलवंत होने पाए लॉर्ड फादर। प्रभु अपरंपार आशीषें इनके जीवनों में आए लॉर्ड, इनके खत्ते हमेशा भरे रहें प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु आप अपने लोगों को, आपका वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है प्रभु। जब इन भाई बहनों ने खुशी से प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य की उन्नति के लिए बोया है लॉर्ड, आप इन्हें मल्टीप्ल
मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, आप इन्हें ब्लेस करें आज के दिन में, आप इन्हें हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से प्रोटेक्ट करें, हर एक महामारी से आप इन्हें बचाएं प्रभु जी। लॉर्ड आप इनकी सुरक्षा करें प्रभु, आज के दिन में इनके हर एक काम बनने पाए, हर एक काम में आप इन्हें सफलता दें। धन्यवाद करते प्रभु तेरे नाम से, इन्हें और इनके घर परिवार के हर एक जन को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको ब्लेस करते, सबको आप अच्छा स्वास्थ्य दे, सबकी आप रक्षा हिफाजत करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आज की सुबह में बहुत तायत की आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके घर परिवार के हर एक जन को परमेश्वर आशीष दे। यूं ही छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सब हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे प्रभु यीशु में आशीषित हैं। प्रभु